हाय गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने रोज़मेरी वाटर ट्राई किया था एंड वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। आपको पता है वो मेरे चैनल की एकदम मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, बट उसमें कुछ लोगों के डाउट थे कि रवीना, हम ऑफिस जाते हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, हम रोज़मेरी वाटर नहीं बना सकते या फिर लगा सकते, प्लीज़ कुछ अल्टरनेटिव बताओ या फिर कोई सॉल्यूशन दो ना कि हम इसे रोज़ यूज़ कर सकें। एंड आई एम हियर विद अ सरप्राइज। I got the best alternative of rosemary water. I got this Vriksha Veda Rosemary Hydrosol. Trust me, I haven't used it before. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये कैसा हुआ, बट हाँ I choose this brand क्योंकि मैंने Vriksha Veda का हीना पाउडर कुछ टाइम पहले यूज़ किया था एंड इट वॉज रियली गुड, तो होपफुली ये भी अच्छा होना चाहिए। बट डोंट वरी, मैं इसे कंटिन्यू 14 डेज तक यूज़ करूँगी और तभी हम रिजल्ट के साथ देखेंगे ये अच्छा है भी या फिर नहीं। लेट्स बिगिन द चैलेंज। इट्स डे वन ऑफ यूजिंग Vriksha Veda Rosemary Hydrosol। ये ग्लास वाटर है और इसकी स्मेल OMG एकदम नेचुरल रोजमेरी वाटर की तरह है। स्प्रे है तो इजली यूज कर पा रही हूँ। अब मैं अपनी मांग खोल खोल कर इसे अच्छी तरह स्प्रे कर रही हूँ ताकि मेरी पूरी स्कैल्प पे एंड रूट पे अच्छी तरह ये रोजमेरी वाटर लग जाए, और लगाने के बाद अपने फिंगर टिप से मतलब हल्के हल्के हाथों से अपनी स्कैल्प को मसाज कर रही हूँ। ऐसा आपको 2-3 मिनट तक करना है। देन पोनी या फिर बन बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बालों को पहले अच्छी तरह सुखा लेना है और तभी आपको पोनी या फिर बन या फिर जैसे भी बांधते हो बांधना है, बट गीले बाल नहीं बांधने हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसे ओपन करने के बाद आपको फ्रिज में रखना है, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और अब से कंटिन्यू 14 डेज तक इसे यूज़ करूँगी। आई एम रियली होपफुल कि ये अच्छा वर्क करे, बाकी देखते हैं। इस ब्रांड की एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि इसके अंदर कोई भी फालतू इंग्रेडिएंट नहीं होते, फिर चाहे हीना हो या फिर रोजमेरी वाटर। जैसे ये रोजमेरी वाटर है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोजमेरी लीव्स ही हैं, कोई फालतू अदर इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ना कोई एडिड फ्रेग्रेंस, विच इज़ रियली ग्रेट। आज मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं तो मैंने सोचा आज हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ और कल हेयर वॉश कर लूँगी। आपको पता है इस रोजमेरी वाटर के साथ मैंने इनका ये पहाड़ी रोजमेरी हेयर ऑयल भी ऑर्डर किया था और आज मैं इसे ही ट्राई करूंगी। इस ऑयल का मेन इंग्रेडिएंट है रोजमेरी लीव्स एंड होहोबा ऑयल। एकदम लाइट वेट है विद माइल्ड फ्रेग्रेंस। मैंने अच्छे से अपने रूट्स में एंड हेयर लेंथ में इसे लगा लिया है। अब इसे ओवरनाइट रखूंगी और कल हेयर वॉश कर लूंगी। Day 7, इस रोजमेरी वाटर को यूज़ करते करते मुझे 6 दिन हो चुके हैं और ये इतना लाइट वेट है कि लगता ही नहीं कि मैंने कुछ लगाया है। एक बार लगा लो ना और फिर बाल सूखने के बाद एकदम नेचुरल हो जाते हैं, लगता ही नहीं कि आपने सच में कुछ लगाया है या फिर हैवी कुछ भी नहीं लगता। मैं इसे कंटिन्यू 6 दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, जैसे कि हेयर फॉल या फिर डैंड्रफ, कुछ भी नहीं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल है एंड होपफुली आगे भी हो। Day 14, फाइनली आज लास्ट डे है इस रोजमेरी वाटर को यूज़ करने का। आई एम रियली एक्साइटेड, देखते हैं क्या डिफरेंस आया है इन 14 डेज में। लेट्स सी द रिजल्ट। सबसे पहले आप मेरे बेबी हेयर देखो, आगे कितने सारे छोटे छोटे से न्यू हेयर आ रहे हैं एंड मेरे बाल पहले की कंपैरिजन में थोड़े बड़े लग रहे हैं। हाँ आई नो, बहुत ज़्यादा तो बड़े नहीं हुए हैं, बट हाँ बड़े लग रहे हैं। और अब मैं आपसे अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। नो डाउट ये नेचुरल है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा एडिड नहीं है, नथिंग, नो एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस या फिर कोई दूसरा इंग्रेडिएंट कुछ भी एडिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोजमेरी लीव्स, विच इज़ ग्रेट। Number 2, ईजी टू यूज़ है, रोज़ बनाना नहीं पड़ेगा और 3 महीने तक आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। एंड Number 3, ईजी टू कैरी है, हॉस्टल में रहते हो या फिर पीजी में या फिर कहीं भी, आप इसे ईजिली ले जा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल इन माई ओपिनियन इट्स अ ग्रेट अल्टरनेटिव ऑफ रोजमेरी वाटर, सो यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। डोंट वरी, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। एंड ऐसे स्किन केयर, हेयर केयर या फिर हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वी आर गोइंग टू ग्लो एंड ग्रो टुगेदर। और हाँ, लेफ्ट वाली वीडियो ना मेरे चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। बाय, टेक केयर।